हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो न्यूज़ इन हिंदी में। तो दोस्तों आज की खबर ये है कि एक 25 मिलियन की आबादी वाले देश जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से कट ऑफ रखता है, जिसके सुप्रीम लीडर किम जोंग है, जिनके होते क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटी की संभावना ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्र क्रिप्टो करेंसी से संबंधित इनोवेशन के लिए सुर्खियों में रहता है, जो कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दोनों साइड से आती हैं। आपको बता दें कि एक इलीट नॉर्थ कोरियन हैकर ने न्यूक्लियर वेपन के लिए क्रिप्टो की चोरी की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ना चाहते हुए भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों अगर आप पूरी खबर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो खबर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वहीं दूसरी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि एक टेक फर्म डेटालाइट बताती है कि बिटकॉइन को अभी अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे पेपल, वीज़ा एंड मास्टर कार्ड को ओवरटेक करने के लिए एक डिकेड की आवश्यकता है। वहीं डेटा से ये भी पता चलता है कि पेमेंट सिस्टम के रूप में बिटकॉइन अभी वीज़ा और मास्टर कार्ड से बहुत पीछे है। तो दोस्तों बिटकॉइन बेशक धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये जल्दी ही इन सभी को रिप्लेस कर देगा। इंग्लिश में कहा जाता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वहीं दोस्तों एक और बेहद अच्छी खबर है कि बिटकॉइन न्यूज़ ने एक नया बिटकॉइन प्रेस रिलीज पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पर आप अपना प्रेस रिलीज पब्लिश कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल एंड इजी है, आप साइन अप करके पब्लिश कर सकते हैं, और जैसे ही आपके प्रेस रिलीज को एडिटोरियल अप्रूवल मिल जाएगा तो ये उनकी वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और अपना बिटकॉइन प्रेस रिलीज भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस खबर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आपको खबर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर नज़र।